हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से मुझे एक जनरल परचेज करनी थी जहां मैं अपनी यादें सजो के रख सकूं। तो मैंने ऑनलाइन देखी और मुझे ये जनरल बहुत बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी लगी, जिसमें अपनी यादों को सजो के रख सकती हूँ। कहते हैं ना कि बातें बीत जाती है लेकिन यादें याद आती है, तो ऐसी खूबसूरत यादों को मैं इस जनरल में सजो के रखना चाहती हूँ। तो आज इस जनरल के मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है इसमें एक ब्यूटीफुल सी डायरी, जिसमें मैं अपनी यादों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और इसके साथ मुझे बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मिली है। तो देखते हैं क्या क्या है इधर। फर्स्ट डायरी, सेकंड, एक्चुअली जनरल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तरीके से आपकी डायरी होती है जहाँ आप अपने ब्यूटीफुल मोमेंट को ब्यूटीफुल ढंग से सजो के रख सकते हो, तो इसलिए इसके साथ स्टिकर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। तो देखते हैं मुझे क्या क्या मिला है। आखिर बहुत दिनों की इच्छा के बाद, मतलब कहते हैं कि बहुत कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, माइंड में रहता है कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन या तो बिजी होते हैं लाइफ में और नहीं कर पाते, तो अचानक मुझे ये दिखी है तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, मुझे आज ही मिली है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत से ब्यूटीफुल स्टिकर्स है जो मैं अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते टाइम सजो के रख सकती हूँ। यहाँ पे गुड टाइम्स के लिए है, टाइम वाइज है। फिर यहाँ पर ये वाला है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टिकर्स हैं, मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा है। वाओ, ये पेंटिंग सी, ये मैं भी ब्यूटीफुल मोमेंट पे या कुछ खूबसूरत चीज के टाइम लगाऊंगी। फूड से रिलेटेड भी है, अगर आपके खाने टाइम पे कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट हुई हो तो आप उस टाइम ये स्टिकर्स यूज कर सकते हो। ये ब्लैंक है, ये वाला मेरा फेवरेट है, मुझे खिड़की में देखना बहुत पसंद है। यानी कि मैं जब भी जाती हूँ ना गाड़ी में, तो मेरे को विंडो साइड ही चाहिए रहता है ताकि बाहर के नज़ारे में देखती रहूँ, मुझे अंदर अच्छा नहीं लगता है। ये आई थिंक 1 2 3 करके है। माई फेवरेट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मुझे बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने एक बटरफ्लाई की रिंग भी ली है। बटरफ्लाई इज़ माई फेवरेट, ऐसा लगता है कि मतलब आज़ादी की फीलिंग देती है कि... चलो ये तो सारे हो गए हैं। बातें बीत जाती है, ये और स्टिकर्स हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स। ओपन तो क्या करूँ, आप देख लें, इसे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक जब भी कुछ लिखो करो, इसमें बटरफ्लाइज भी है, अगेन माई फेवरेट। दो लिफाफे हैं, अगेन माई फेवरेट। आइसक्रीम्स, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है पर इसमें नहीं है, नहीं वो केक है, आइसक्रीम नहीं है। म्यूजिक माई फेवरेट, मुझे अकेले में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मैं कुछ लिखूंगी इस बारे में, जनरलाइज करूंगी, हाँ तब ये स्टिकर जरूर लगाऊंगी। आई थिंक स्टिकर है या क्या आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम परचेज की है एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। अपनी बोरिंग लाइफ से, मतलब पूरा दिन ऑफिस घर वगैरह में बिजी हो जाते हैं तो बहुत बोरियत सी हो जाती है कभी कभी, तो ये करने से थोड़ा क्रिएटिविटी भी होती है और माइंड भी फ्रेश होता है। आई नो इसके लिए फ्री टाइम चाहिए रहता है, बट हाँ मैं निकालूंगी, एटलीस्ट एक वीक में तो मैं निकाल ही सकती हूँ। बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल सी टेप आई है, जिसमें टेप के ऊपर, यार फर्स्ट टाइम देखी इस टाइप मैंने, टेप के ऊपर भी स्टिकर्स है। यार आप भी एक बार परचेज कीजिएगा। हाँ अभी एग्जाम है तो आफ्टर एग्जाम आप कर सकते हैं, या फिर आफ्टर बिकमिंग सी है। अच्छा कोट है इसके ऊपर,
आई विल लीव अस यू लाइक ओ लाइफ वॉज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स राइट मिरेकल हैपन एवरी डे 100% राइट क्योंकि यार हम नहीं कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही हुआ है जो सोचती हूँ वो कभी हुआ ही नहीं है विदाउट यू टूडे इमोशंस वुड बी मेरे लिए नहीं है वी ऑल आर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम टूगेदर एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स राइट ओके अच्छा तो पता नहीं अदर लैंग्वेज में क्या करूँगी मैं इसका पता नहीं अगेन स्टिकर से अच्छा कोट के ड्रीम प्लान डू सही है पहले ड्रीम करो फिर प्लान करो फिर उसको एग्जीक्यूट करो बी काइंड टू यूर सेल्फ 100% ट्रू यार मैं तो कभी नहीं होती हूँ डोंट फॉरगेट टू बी हैप्पी राइट 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 हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुश होना ही भूल जाते हैं एंजॉय यूर लाइफ विथ अ स्माइल या एवरीवन स्माइल के साथ जो भी हो फेस करो यार क्योंकि आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते लेकिन हाँ अपनी स्माइल से उसको हैंडल करने की कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है समवेयर स्टार्ट ओके स्टिकर से इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे प्रिंट अच्छी लगी है इसमें आपको इस पूरे जो मतलब जनरल के किट में क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि यार अभी अच्छा लगा तो मैं और भी जनरल ऑर्डर करूँगी और आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी आई नो ये इसमें मेरा चैनल स्टडी से रिलेटेड है लेकिन यार कुछ तो डिफरेंट भी होना चाहिए लाइफ में कभी कभी बोरियत हो जाए तो एक होता है ना कि माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी या कुछ ऐसा जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए और एक ये कि हम जब अपने थॉट्स को किताबों में लिख देते हैं बुक्स में लिख देते हैं डायरी में लिख देते हैं ना तो एक रिलीफ फील करते हैं कभी कभी ना क्योंकि हमारे सीए जर्नी में रहता है कि अकेले स्टडी कर रहे पूरे पूरे दिन खुद के साथ ही बिता रहे तो एक बोरियत हो जाती है या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो लिख देने से ना वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है तो आप 10 मिनट अपनी डेली लाइफ में राइटिंग को दे सकते हो जिसमें आप अपने गोल्स लिख सकते हो क्या अच्छा हो आपकी पूरी ज़िंदगी में वो भी लिख सकते हो पूरे डे में आई मीन अब तो शायद वही है स्टिकर्स वगैरह कुछ करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कुछ खूबसूरत होने वाला है कहते हैं ना कि हम अच्छा सोचते हैं अच्छा लिखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा ही होता है कार्ड्स हैं यार ये मुझे बचपन से मुझे इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट था लेकिन ड्यू टू सीए स्टडी सब कुछ छूट गया यार अब चलो सीए बन गए तो बाकी सारे ड्रीम्स भी पूरे करने हैं ओनली कार ही है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कैसा लगा पूरा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपनी लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी हैप्पीनेस की चीज़ें करते रहा कीजिए क्योंकि लाइफ छोटी है और हमारे ड्रीम्स अभी अधूरे हैं तो मेहनत करते रहिए खुश रहिए अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहिए मेरे चैनल पे बाय बाय मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में